गणेश चतुर्थी के मौके पर शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर गणेश विसर्जन के लिए मसनवी तालाब यानी बेबी पॉन्ड्स कायम किए जा रहे हैं। दरियसना मंगल की शाम जब GHNC के एहलकार JCB के साथ हुमायूं नगर पुलिस स्टेशन लिमिट्स के दायरे अख्तियार के तहत विजयनगर कॉलोनी में वाक़े फुटबॉल ग्राउंड में दाखिल हो गए, तब ग्राउंड एसोसिएशन हैदराबाद स्पोर्टिंग क्लब के अराकीन और मुकामी लोगों ने GHMC के अहदेदारों को ग्राउंड में दाखिल होने से रोक दिया। ग्राउंड एसोसिएशन के सदर ने कहा कि इनका फुटबॉल ग्राउंड, जो कि शहर का सबसे कदीम फुटबॉल ग्राउंड है, उसे GHMC से मुतल्लिक नहीं है और इस सिलसिले में अदालत में भी मुकदमा चल रहा है और इन्हें अदालत से अहकाम भी जारी किए गए हैं कि इस ग्राउंड में खेलों की सरगर्मियों के अलावा किसी और सरगर्मी की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद भी वहां पर विसर्जन करने की बात पर इसरार करते हुए कमेटी और पुलिस की जानिब से क्लब के जिम्मेदारान को मुसलसिल हरासां किया जा रहा है। इसी खसूस में क्लब के जिम्मेदारान ने मीडिया के जरिए इस मामले में हायर ऑफिशियल से हर मुमकिन मदद करने की भी अपील की है। आइए जानते हैं इस खसूस में तमाम तर तफसीलात। फर्दर आप मेरे को डायरेक्ट कर दीजिए तो भाई पुलिस। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद सुलेमान नदीम है, मैं हैदराबाद स्पोर्टिंग क्लब से बोल रहा हूँ। ये क्लब 1940 में इस्टेब्लिश हुआ और यहाँ पे 80 ईयर से हम लोग ये क्लब ऑपरेट कर रहे हैं। अभी ये 15 दिन से हमको GHMC वाले सता रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पे आके निमर्जन के लिए खोदेंगे बोल के हमको तंग कर रहे हैं। तो हम गवर्नमेंट के पास जाके, हम हमारे एडवोकेट के पास जाके स्टे ऑर्डर भी लेकर आए, तो स्टे ऑर्डर को भी ये लोग नहीं मान रहे। अभी आप बोलो हम अगर स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं चलाएंगे तो फिर क्या चलाएंगे? फिर अभी वही बच्चे होटलों में ख़राब होते बैठ के, वो चीज़ को हम लोग यहाँ ख़त्म करना चाह रहे हैं तो हमको करने नहीं दे रहे हैं। अब एटलीस्ट आप लोग तो भी हमारे को हेल्प करिए, हमको हरासमेंट हो रहा है इस चीज़ के लिए। मेरे पास रेगुलर प्रैक्टिस होती, मेरे पास 150 बच्चे हैं यहाँ पे, मेरे तीनों डिवीजन के टीम्स फुटबॉल एसोसिएशन से एफिलेटेड है ABC। अब ये हमारे समीप भाई है, ये आज GHMC वाले फोर्सेबली GMC लेके आ गए, वो पूरी लाके खोद GCP ला लिए, लाके खोदने के वास्ते खड़े रह गए थे, पर हम लोग पूरा बात करके उनको कन्विंस करे तो भी नहीं समझे आखिर में। फिर हमारे समीप भाई आके उनको जो दो सवाल करे, उसके बाद में जो ऑर्डर पूछे, आपके पास ऑर्डर कहाँ है, आप जो करने चाह रहे हैं उसका ऑर्डर बताइए हमारे को। हम आपको यहाँ नहीं करने दे रहे हैं, हमारे पास उस चीज़ का ऑर्डर है और ये ऑर्डर में क्लियर लिखा हुआ है कि आप ग्राउंड में कोई एक्टिविटी नहीं, सिवाय स्पोर्ट्स के नहीं कर सकते। वो बोलने के बावजूद भी CI सब आके हरासमेंट करे, फोना करे, बोले नहीं नहीं हम कैसा भी करेंगे। अब अगर ऐसा करेंगे तो स्पोर्ट्स एक्टिविटी पूरी ख़त्म हो जाती है, फ़ायदा क्या है फिर इतना फोर्सेबली आने का? GHMC वाले उनका ग्राउंड है बोल रहे हैं, जबकि हम हर चीज़ उनको बता चुके हैं कि ये 80 ईयर्स पुराना क्लब है, ओल्डेस्ट क्लब इन हैदराबाद। मोहम्मद समी सिद्दीकी, हाई कोर्ट एडवोकेट रिप्रेजेंटिंग स्पोर्ट्स अथॉरिटी है। ये देखिए, ऑलरेडी जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से सर्कल नंबर 12 से गणेश विसर्जन के लिए जो लोग आए हुए हैं, इंस्पेक्टर्स वगैरह आए हुए हैं, हमारे पास ऑलरेडी ऑनरेबल कोर्ट हाई कोर्ट ऑर्डर दिया हुआ है, रिट पिटीशन नंबर 15725 ऑफ 2020। इसमें क्लियरली मेंशन है, अपार्ट फ्रॉम दैट आई जस्ट लेट यू नो, इसमें क्लियरली मेंशन है रेस्पॉन्डेंट पार्टीज थे GP फॉर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और SC फॉर GHMC अशोक कुमार, और जो ऑर्डर आया है हमारे को बिफोर ऑनरेबल कोर्ट हाई कोर्ट से इन रिट पिटीशन नंबर 15725 ऑफ 2022, इसमें क्लियरली मेंशन है, इट इज ऑल्सो स्टेटेड दैट इफ एनी एक्टिविटी अदर देन द स्पोर्ट्स इज फाउंड ऑन द ग्राउंड द कॉरपोरेशन विल टेक द अप्रोप्रिएट एक्शन। क्लियरली ये चीज़ मेंशन है, क्लियरली ये चीज़ मेंशन है, अपार्ट फ्रॉम एनी स्पोर्ट्स एक्टिविटी is going to happen, department is going to take the action. यहाँ पर clearly mention है और इट्स रिट पिटीशन में हमारे को जो direction मिला है honorable court से directing the respondent authorities to use the playground strictly for sports activities only. ये हमारे पास रिट पिटीशन का order है। ये होने के बावजूद इसको contempt करते हैं municipal corporation, being we as a respondent, हमारे को intimate किए बिना आ करके यहाँ पर जो स्मार्ट trespass करके digging की activity कर रहे हैं। हम जबकि उनको ऑलरेडी इससे पहले रिट पिटीशन में जब उन्होंने रेस्पॉन्डेंट थे, उनको नोटिस सर्व करके जो भी हम ऑर्डर लिए हैं ये हमारे पास है। अगर उनको कुछ एक्टिविटी करना है तो बीइंग वी एज ए रेस्पॉन्डेंट दे वॉज सपोज टू सर्व अ नोटिस फॉर अस,
हमारे को वो नोटिस सर्व करना चाहिए था। और इसमें और एक चीज बोलता हूं मैं, इसमें उनके म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो गवर्नमेंट लीडर हैं उन्होंने खुद स्पेसिफिकली एडमिट किए, सो एडमिट मतलब कबूल किए कि अपार्ट फ्रॉम स्पोर्ट्स एक्टिविटी कोई दूसरी चीज नहीं है। ये होने के बावजूद आज वो एडवर्स स्टेप लेके कंटेम्प्ट ऑफ रिट पिटीशन ऑर्डर करके डिपार्टमेंट के लोग और उनको सिक्योरिटी दे रहे हैं पुलिस डिपार्टमेंट के लिए। इट इज कंप्लीटली वी आर गोइंग टू अप्रोच द कंसर्न कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, उसके लिए हम जाके कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से बात करेंगे। कल का टाइम लिए हुए हम लोग कल 11 बजे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जाकर सर्कल नंबर 12 में जाकर के हम जोनल कमिश्नर से बात करेंगे। दे नो इट वेरी वेल, यहाँ पर कोर स्पेसिफिकली स्पोर्ट्स का ही ग्राउंड है हमारा। जीएचएमसी खुद उनके प्लीडिंग में उन्होंने एडमिट किए हुए हैं, हम तो पिटीशन डाले के भैया स्पेशली स्पोर्ट्स के लिए, उन्होंने खुद भी एडमिट किए हुए हैं। उनके श्री नीति अशोक कुमार जो लर्न स्टैंडिंग काउंसिलर जीएचएमसी के, उन्होंने खुद ही एडमिट किए हुए हैं कि अपार्ट फ्रॉम दैट स्पोर्ट्स एक्टिविटी नो एक्टिविटी शुड टेक प्लेस, इफ इट इज गोइंग टू टेक प्लेस एडवर्स एक्शन विल बी टेकन। वो खुद एडमिट किए, हम तो पिटीशन फाइल किए, वो खुद भी एडमिट किए, उसके बावजूद भी आज ये एक्शन है। और एज फॉर एज वो इमर्शन का जो डंपिंग है, हम उनको चार चीजें हम लोकेट करके बता सकते हैं। अगर उनको स्पेसिफिकली डंपिंग के लिए कुछ इश्यू हो रहा है, बहुत सारी जगह है, वाई दिस स्पोर्ट्स ग्राउंड, देयर आर एन नंबर ऑफ प्लेसेस, हम खुद उनको आइडेंटिफाई करेंगे।